गाइस व्हाट्सअप एवरीवन, दिस शुतुर फ्रॉम चैनल टेक्नोहोलिक बाइकर। और आज आपको एक और डिफरेंट नई चीज दिखाता हूँ, वो है ये। तो ये क्या है, आप लोग शायद मीटर देख के पहचानी गए क्या है ये। तो ये है कावासाकी Z800, जिसको Z800 भी बोलते हैं। और एक बार आपको बार इसकी साउंड सुनाता हूँ। क्या पावर है यार, क्या पावर। तो ये है कावासाकी की Z800, जो फेमस बाइक है काफी, कावासाकी की जो बहुत बिकती है। और आज ये मेरे हाथ में कैसे है आप लोगों को पता है, मेरे पास तो अपनी हायाबुसा है, हमारी चीता है, हमारी जो मेरी जान है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जो थी जिक्सर 1000 में, जिसमें मैं चला रहा था जिक्सर 1000, तो उसकी भी कहानी मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। बाकी अभी ये वाली बाइक मेरे हाथ में है, तो ये मैं क्यों चला रहा हूँ, बिकॉज ये बाइक भी खड़ी है निक्कू पाजी पे, प्रिंस पाजी पे, जो हमारे डेविल किंग्स हमारे भाई हैं, तो उनके पास ये बाइक सेल के लिए खड़ी हुई है। तो ये जो वीडियो है ये है ऑन कावासाकी Z800, इसका प्राइस क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी डिटेल क्या है, कितनी की आपको मिल जाएगी, कौन सा मॉडल है, क्या क्या इसका सामान है, वो सारा आपको दिखाता हूँ, सारा आपको बताता हूँ। और आप कैसे ये बाइक ले सकते हो आपको भी बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के बाद। आज 4 जून, आज सेम डे जब मैंने चलाई थी अपनी जो हमारी जिक्सर 1000 है, जो हमने अभी ड्राइव करी थी लास्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी पहले तो वो वाली वीडियो देख लो। बाकी इस बाइक में गियर इंडिकेटर आई थिंक नहीं है, पर बैठने में जो बाइक लग रही है बहुत प्यारी लग रही है। इसका टैंक देखो, इतना मोटा चौड़ा इसका टैंक है। तो पहले पाजी ने बोला कि आप एक टेस्ट ड्राइव ग्राउंड लेके आओ, पहले इसका ग्राउंड मार के आओ कि क्या है बाइक में, क्या नहीं, चला के आओ, मजा लेके आओ बाइक का। उसके बाद जब खुद टेस्ट कर लो कि बाइक ओके है, क्योंकि उनकी तरफ से तो बाइक टेस्टेड है कि ओके होती है। मैंने इनकी ऑलमोस्ट सारी बाइक चलाई जो इनके पास हार्ले खड़ी होती है, कावासाकी खड़ी होती है, मतलब सब चला लेता हूँ, क्योंकि अपने भाई वाली बात है, कोई डीलर वाली बात मेरी इनसे है नहीं। आप भी इनके पास आओगे तो आपको भी भाई वाली बात ही लेगी, डीलर वाली बात आपको लेगी नहीं। इसको एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो अभी जो सीन है पाजी ने कहा, एक बार राउंड मार के आओ, पहले बाइक को चला के आओ, बाइक की फील लेके आओ, सोचो कि हाँ यार मतलब मजा है बाइक में, उसके बाद ही वीडियो बनाएंगे। तो अभी आया हम छोटी सी गेड़ी मारने, तो आपको फर्स्ट राइड इंप्रेशन देता हूँ। लास्ट वीडियो आपको मैंने दिया थी जिक्सर की, तो कंसोल दिखाऊँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका प्रॉपर, जो यहाँ पे आता है। और सेल्फ भी एक बार में ले लेती है, तो इसके सेल्फ में क्लच नहीं दबाना पड़ता, बूसा में और सुजुकी की जिक्सर वगैरह में आपको क्लच दबाना पड़ता है। तो एक बार आपको साउंड भी सुनाता हूँ और एक ओवरव्यू भी देता हूँ। तो एक बार बाइक को खींचते हैं, पाजी ने कहा पहले बाइक चला गया हो, खींच के आओ, उसके बाद दिखाना। तो एक बार बाइक खींचते हैं, दिखाते हैं आपको पावर कैसी है और पिकअप परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी बाइकें होती हैं। वाह यार, ये बाइक स्मूथ कितनी है यार, मतलब मेरी बेनेली थी वो तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, ये तो बहुत स्मूथ। वाओ 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 वाओ, तो बाइक में भी थोड़ा सा पेट्रोल कम है तो इसलिए बाइक थोड़ी सी जगह हारी है। वाओ यार क्या परफॉर्मेंस, वाओ अमेजिंग अमेजिंग मैन अमेजिंग। तो साउंड वाउंड के मामले में बाइक मज़ेदार है, मतलब चला के मज़ा सा आ रहा है, स्मूथ बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। मतलब आज तक मैंने एक बार आपको पहले इसका ओवरव्यू और एक बार आपको वॉकराउंड भी दे देता हूँ। आज तक मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि जो कावासाकी की Z800 है वो बहुत स्मूथ है, एक बार आपको साउंड भी सुनाता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं अभी स्टोरी डालूंगा साउंड की, तो इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो नहीं कर रहे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नीचे मेरी आईडी लिखी है टेक्नोहोलिक बाइकर, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लो, सारे आपको अपडेट्स पहले वहाँ पर मिल जाते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे आते हैं। तो बहुत लोग इसकी साउंड की भी तारीफ करते हैं और बाइक अच्छी है, आपको साउंड सुनाता हूँ। वाओ वाओ अमेजिंग अमेजिंग, तो बहुत लाउड है बाइक, बहुत स्मूथ है। बाकी अभी मैंने चलाई है 5-6 किलोमीटर, स्मूथनेस के मामले में बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। मतलब आप एकदम से इंस्टेंट पिकअप दोगे तो बहुत लीनियर खींचेगी आराम से। और बेनेली के मामले में यार बहुत स्मूथ बाइक है, आज तक मैंने चलाई नहीं थी, आज तक बेनेली चलाई थी, बूसा मेरे पास है ही, जिक्सर चला रखी है, काफ़ी डेटोना चला रखी है, CBR सर्विस चला रखी है, पर जो ये बाइक है Z800, मतलब मज़ा आ गया, बहुत स्मूथ बाइक है, कितनी मतलब आराम से पिकअप लेती है, आराम से फुल मज़े देती है। तो जो भी है एक बार आपको दिखाता हूँ इसका वॉक अराउंड। तो एक बार सामने से देखो, ऐसी लगती है बाइक सामने से, इसका ये पूरा हेड है,
नंबर भी इसका अच्छा है, DEL1S6010 इसका नंबर है। फैंसी नंबर तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नंबर है 6010। बाकी ये इसका साइड व्यू है, एक बार आपको साइड वॉक अराउंड भी दे देता हूँ। तो साइड से अगर बाइक को देखोगे तो ऐसी लगती है खड़ी, मतलब बड़ी एग्रेसिव और बड़ी ना प्रीमियम लगती है। खासकर पाजी ने भी पूरी चमका रखी है, पॉलिश वगैरह बाइक की कर रखी है, तो आपको जितनी बाइक मिलेंगी पूरी पॉलिशिंग वगैरह करके ही मिलेगी, तो खड़ी भी मतलब बड़ी प्रीमियम लगती है। ये इसके आगे से हेडर्स दिख रहे हैं, जो चार हेडर हैं, ये इसका वो, एक बार आपको लाइटें भी दिखा देता हूँ, एक बार चाबी घुमाते हैं। बाइक बहुत स्मूथ है, तभी मतलब आज तक मैं जितना सुना था कि हाँ ये बाइक मतलब बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग इस बाइक को ओन करते हैं, और काफ़ी लोग इसको जब बेचते हैं मतलब, और काफ़ी लोग जब दूसरी सुपर बाइक लेते हैं, नई सुपर बाइक लेते हैं, तो उसको बेचते नहीं है। तो क्यों नहीं बेचते, इसलिए नहीं बेचते बिकॉज बाइक बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, और सर्विसिंग भी आपको पता है कंपनी कावासाकी है, कावासाकी फेमस कितनी है सर्विस वगैरह में। तो थम्स अप है यार, बाकी अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं वापस हमारे भाई की शॉप पे लेके, और वहाँ उन्हीं के मुँह से पूछवाते हैं कि इसका प्राइस क्या है, कितनी की आपको मिल जाएगी, क्या इसका मॉडल है, कितनी चली हुई है, वो तो आपको दिखाई दूंगा, बाकी क्या इसकी डिटेल्स हैं एक बार पहले बताता हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी। अब इसको लेके चलते हैं वापस इन द शोरूम, पाजी की दुकान पे, अपने भाई की दुकान पे, निक्कू और प्रिंस पाजी की दुकान पे, और उनसे ही पूछते हैं कि क्या है बाइक की डिटेल। एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है यार, इसमें SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और उनसे ही पूछते हैं कि बाइक की डिटेल क्या है, बाइक में क्या क्या मतलब लगा हुआ है, और बाइक कितनी चली हुई है, स्मूथ कितनी है यार, मतलब मज़ा आता है चलाने में इसको, बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत स्मूथ। तो पाजी की दुकान पर चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि क्या डिटेल है बाइक की। बाकी यार फर्स्ट राइड रिव्यू दूँ, साउंड के लिए थम्स अप है, परफॉर्मेंस के लिए भी थम्स अप है, पावर बहुत है, इन टर्म्स ऑफ 800 cc पावर बहुत है। अगर कंपेरिजन करूँ पावर का विद हायाबूसा, तो हायाबूसा की जितनी तो ऑब्वियसली पावर नहीं है बिकॉज ये 800 cc है, वो 1300 cc है। कंपेरिजन करूँ विद बेनेली 600 से तो बहुत ज़्यादा पावर है, बिकॉज यार वो 600 cc है या 800 है, और बहुत ज़्यादा मतलब पावर रखती है बेनेली 600 के मुकाबले। बाकी स्मूथनेस बहुत है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बाइक लाइट बहुत है यार, मतलब मैं अपनी बेनेली चलाता था, बेनेली 600 बहुत हैवी लगती थी, और उसका जो टर्निंग रेडियस है मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा फील होता था, लेकिन इस बाइक का तो मतलब बिल्कुल वेट फील ही नहीं हो रहा। गियर वियर डालना बहुत स्मूथ है, मतलब कुछ भी ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही कि हाँ यार मतलब इतनी मतलब प्रीमियम सेगमेंट की और भारी बाइक को आप चला रहे हो। बाकी अभी चलते हैं बैक ऑन द शॉप और वहाँ पहुँच के आपको उसकी डिटेल दिखाता हूँ। तो आ गए हम पाजी की दुकान पे, ये हमारी खड़ी है हायाबूसा, हमारी चीता जिक्सर 1000, बहुत स्टॉक है यार, अभी आराम से आऊँगा, अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो अभी इसकी वीडियो बना के चले जाएंगे। खड़ी तो इतनी प्यारी लग रही है, हार्ले बेनेली 600 है, ये भी इनका खड़ी सेल पे, कभी इनकी इसकी भी बाद में वीडियो बनाएंगे अलग से। देन बेनेली 302, हार्ले 750, जिक्सर 1000, वेरी प्रेटी अपनी हायाबूसा, हमारी चीता, और देन हेयर पल्सर है। तो और अंदर इनके पास एक और हार्ले खड़ी है, और ये है इसकी चाबी जिससे हमने अभी राइड करी है, G800 की चाबी। एक बार आप पाजी से बात करते हैं क्या प्राइस है, क्या मॉडल है, और इनसे पूछते हैं। तो प्रिंस पाजी ने सारी डिटेल बता दी है, ये है 2016 मॉडल, सेकंड ओनर की बाइक है, और चली बहुत कम है, आपको भी कितनी चली दिखा दूंगा। एक्सेसरी की बात करें तो यहाँ पे इसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट, कस्टम एग्जॉस्ट है, साउंड बहुत अच्छी आपको सुनाई दी थी पहले भी, और यहाँ पे लगे हैं प्रो के फ्रेम स्लाइडर जो क्रैशर होते हैं, इधर भी लगे हुए हैं, उस साइड भी लगे हुए हैं। एक बार आपको मीटर दिखा देता हूँ, 16 मॉडल सेकंड होना, सारे कागज हैं, सारे पेपर हैं, बाइक की इंश्योरेंस हो रखी है बिकॉज 5 साल की होती है 0 डेप इंश्योरेंस, अभी ये 2016 में ली थी, तो अभी 2000 हाँ तो अभी इसकी इंश्योरेंस चल रही है, इसकी इंश्योरेंस अभी वैलिड है, 2016 में बाइक ली थी, अभी 2020 चल रहा है, तो 4 साल हुए हैं, 1 साल तक इसकी 0 डेप इंश्योरेंस वैलिड है। आपको मीटर दिखाता हूँ, चलिए तो ये इसका मीटर हमने ऑन कराया, वाला मीटर देखो, मीटर भी बहुत अच्छा बाइक का, इसका अच्छा होता है 800 का, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 18 यहाँ पे इसका दिखा रहा है ऑडोमीटर 18450। बाकी यार बेनेली से कंपैरिजन करूँ, पहले मैं बेनेली से आता था भाई, बहुत स्मूथ है बेनेली की, स्मूथ नहीं थी, हल्की बहुत है बैठे में, मतलब हल्की बहुत लगती है और सूट भी करती है भाई अगर आप इसको नॉर्मल लोगे। बाकी अब प्राइस क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो तो आपको प्रिंस भाई बताएंगे, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ अच्छे से और प्राइस पूछवाता हूँ। सबसे मेन बात है मेरी इनसे जो बातचीत बनी हुई है आपके भाई से, एक बार उनके साथ ही कराता हूँ। तो ये हमारे प्रिंस पाजी, आप जानते हैं उनको, हमारी हायाबूसा भी हमने इनसे ली थी जो हमारी बाइक थी, और इनसे जो बातचीत है ना, एक भाई वाली है, डीलर वाली नहीं है, जहाँ से पहली बेनेली ली थी वो डीलर वाली बात थी, जो भी हो चुका बाकी सारे डीलर हैं यार, पहले की बात इनके पास सबसे आया मतलब भाई वाली बात करनी है, दूसरा भी इनसे ली थी, ये नहीं है यार बंदा जब भी चीज लेता तो उसको बेसिकली क्या होता है कि बिल्कुल रेट कम मिले और क्वालिटी अच्छी, बेचे बंदे के लिमिटेड बाइक की हो बट वो क्वालिटी वाइज अच्छी हो भाई।
बाकी सबसे मेन बात है, अब मेरी मेन बात सुनना, हम तो यार बोलते रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है आपके लिए, लेकिन सबसे मेन बात है आप आओ भाई, देखो भाई की टेस्ट ड्राइव लो, अगर आप सीरियस बैनर हो, टाइम पास वाली बहुत बात है, कोई बात नहीं, अगर आप सीरियस बैनर हो बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, टाइम पास वाला भी आना चाहता है, उसने बाइक देखनी है, फोटो लेनी है, कमाना नहीं करते, यही दिल होता है यार, देखो यही दिल होता है कि भैया कमाना नहीं करते, हम उनको भी अच्छे से अटेंड करते हैं, बिल्कुल ऐसा भी है कि किसी ने महीने बाद लेनी, दो महीने बाद लेनी है, नहीं भी देनी, तब भी हम उसको अच्छे से अटेंड करते हैं, यही दिल होता है, ह्यूमन नेचर है भैया, क्योंकि इंसान की एक इंसानियत है, यार कोई बंदा नहीं लेना चाह रहा, देख रहा है सिर्फ फोटो भी जा रहा, तो इट डजंट मैटर, मेरा फोटो भी जाना है, ये मेरे प्राइस नीचे नहीं हो जाएंगे, मेरा कुछ मेरे को उसमें भी फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार ध्यान रखा है, थोड़ी बाइकें महंगी और भारी होती हैं, तो आओ फोटो खिंचवाओ, आराम से बैठो, किसी को लेनी है कोई सीरियस बैनर है जरूर आओ, सबसे मेन बात अब जो मैं बोलने वाला था कि आओगे बाइक को लेने से पहले बाइक को चेक कराओ, आप लोग जो लोग मेरे को देखते हैं, जो लोग मेरी सारी वीडियो देखते हैं, उनको पता है मैं वीडियो में एक बार बोलता हूँ और सबको रिकमेंड करता हूँ, बाइक लेने से पहले चेक करा लो, कोई आपका मैकेनिक हो, आपको कंपनी में भरोसा है, कोई आपका पर्सनल मैकेनिक हो, उसको ले आओ, बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, उसको बोलो भाई तू बाइक चेक कर ले, और बाइक को चेक करा कर ही लो, तो यार तुम अगर बाइक चेक वही बंदा रहेगा, उसको पता मेरी बाइक ओके है, जिसको पता बाइक में दिक्कत हो बंदा बोलेगा भाई नहीं टेस्ट ड्राइव लो और पेमेंट दो चले जाओ, लेकिन भाई जो है कभी मना नहीं करेंगे, आ जाओ बाइक जहाँ से चेक करानी कराओ, अपने मैकेनिक साथ लेके आओ, लेके जाओ, सबसे मेन बात है भाई चेक करा के लो, चाहे यहाँ से लो जहाँ मर्जी से लो चेक करा के, पर मेन बात है बंदा अलाउ नहीं करता चेक कराने के लिए, तो ये पाजी का हुआ है कि आओ जो सी बाइक पसंद करेंगे, अलाउ भी नहीं करता, किसी का नाम है यार, मैं भी नाम लूंगा, मेरे को बहुत देर से मिले हैं, मैंने उनको बोला कि मैं बाइक चेक करा लूंगा, ये आप ही नहीं मेरे को पहली बार बताया था कि बंदा मना कर दे चेक के लिए, ऐसा होता है, ऐसे चलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, जिसने चीज लेनी है वो चेक करा लेंगे, दिक्कत आपकी तसल्ली तो करेंगे, लगा रहे किसी चीज पे, ठीक है अपना शौक कर रहा है, इतना पैसा उसमें जोड़ो, इतने सारे ड्रीम मेरा पूरा होगा, वो टीम के लिए क्या होगा, यही मेन बात है कि बहुत काटने के लिए बैठे हैं, बहुत लोग अक्सर काटने के लिए बैठे हैं, मेरे यहाँ पे एक दिल बना, एक बार एक जगह दिल बन जाता तो वही फीलिंग रहती है कि हमारे बंदा अच्छा है, तो मेरे को 4-5 महीने हो गए, अभी लॉकडाउन था मैं आ नहीं पा रहा था, कई हम लोग बाहर निकल पा रहे थे, अभी आया हूँ पाजी से मिलूँ, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी अच्छा चार बाइक की वीडियो बनाने, बाइक चला ले, तो आज वीडियो बना ली, बाकी दिल यहाँ पे लग गया, अरे हाँ तो फुल रिकमेंडेशन है, यहाँ पे आओ बाइक चेक करो जहाँ मर्जी तसली से लो, अब आते हैं मेन बात, आते हैं प्राइस, पाजी प्राइस क्या है और क्या मतलब एकदम 800 ऐसी बहुत लिमिटेड बाइक है और उनमें से बहुत अच्छी कंडीशन की, जैसा आपने देखा है बिल्कुल ऐसी बाइक है और ये किसी डॉक्टर के नाम ही रजिस्टर्ड है। अच्छा हाँ, तो इसलिए कि बाइक मतलब काफ़ी स्मूथ चली है और बहुत अच्छी चली है, उन्हें यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं की, 17-18 हज़ार ही चलाई हुई है, तो इट डजेंट मैटर, इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको पता ही है आप चलाते रहते हैं बाइक के साथ, इसकी आस्किंग भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 6,20,000, तो 6,20,000 मिल रही है, 6,20,000 आपको मिल रही है, 2016 मॉडल आस्किंग है, ये आस्किंग है, बाकी आप आओगे देखो बातचीत करो, आप सीरियस बायर हो प्राइस अपना जो है कोट करो, अपनी मतलब प्राइस की बात बनाओ, ऐसी बात नहीं फिक्स प्राइस ही होता है, छोटा मोटा होता है, बाकी हमारे नाम से भी आएगा तो बिल्कुल होगा, तो हमारे नाम से भी आएगा पूरा होगा, हमारा नाम लो, हमारे चैनल का नाम लो, मेरा नाम ले लो, आप यहाँ पे आओगे वीडियो दिखा दो, बोलो कि यार भाई वाली बात है, जो बेस्ट है वो करने के लिए अपना पूरा मतलब रिस्पेक्ट देंगे, सेवा वाली बात है तो है नहीं, बिल्कुल पूरे रिस्पेक्ट देंगे और आपको बेस्ट प्राइस देंगे, बाकी यही करते हैं आज की वीडियो में, किसी को देखना हो और भी बहुत स्टॉक खड़ा आपको दिखाया, बहुत सॉरी बहुत स्टॉक है, ठीक है बहुत स्टॉक है, बाकी हार्ले आपकी जिक्सर 1000 बहुत बाइक है, हार्ले में तो इनके बहुत वैरायटी है, क्रूजर बहुत बेचते हैं, तो जो भी है यार आपको सारा भी देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके, ये वीडियो थी ZR 800 की, ज़्यादा अपील करते हैं करते हैं, पसंद आई हो लाइक जरूर छोड़ देना, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, शेयर मारना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, पाजी का भी इंस्टाग्राम है डेविल किंग्स के नाम से, सारे इनके वैल्यू के अपडेट आपको मिल जाएंगे डेविल किंग्स के नाम से, और इनका जो नंबर है कॉन्टैक्ट का आपके नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पे, प्रिंस पाजी का भी और निक्कू पाजी का भी, दोनों में से किसी को कॉल कर लो और कोई बाइक फाइल करनी तो बात कर लो, यही करते वीडियो एंड, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड सी यू एज नेक्स्ट वीडियो, और बाइक बिकने से पहले फटाफट ले लो, लॉकडाउन खुल गया है आ सकते हो, गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, फाइनेंस भी अवेलेबल है, मेन EMI भी अवेलेबल है, फाइनेंस भी अवेलेबल है, आपको सारा बाकी समझा देंगे, फोन पे आप आगे बैठो, आपकी सिविल वगैरह जैसी सिविल के हिसाब से, हाँ वो तो सबको पता ही है, सारे डीलर सारे भाई बोलते हैं सिविल के हिसाब से होता है, तो आओ बात करो बैठो फिर डील बनाओ, नहीं करते डिपेंड, टेक केयर, राइट सेफ, ड्राइव सेफ।